रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर स्वयं समंदर भी आएगा। यूं ही न रुक जाना है मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, अध्ययन गंगा के YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे TGT PGT एग्जाम कैसे क्रैक करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में TGT PGT एग्जाम को कैसे क्रैक करें। क्या आप प्रथम प्रयास में TGT PGT एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं? यदि एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी TGT PGT एग्जाम पहले ही प्रयास में कैसे आप क्रैक करें, कैसे आप इसमें सफल हो। देखिएगा, यदि आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, वो केवल एक ही होना चाहिए। अगर TGT लक्ष्य है तो TGT होना चाहिए, PGT है तो PGT लक्ष्य होना चाहिए। यदि आपके लक्ष्य एक से ज़्यादा हैं, आप 8-10 लक्ष्य लेके चलते हैं कि यहाँ चयन नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर कई सारे लक्ष्य आपने बना रखे हैं तो आपका निशाना चूक सकता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका निशाना अचूक हो तो आपका टारगेट, आपका लक्ष्य केवल एक ही होना चाहिए, जिसको पहले ही प्रयास में आप भेद दें। तो ऐसा आपको करना होगा, केवल एक ही टारगेट आपको सेट करना होगा। अब पहला काम, आपने टारगेट को सेट कर लिया, TGT या PGT जो भी आपका टारगेट है, वो टारगेट केवल आपको दिखाई दे रहा है, अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में आपके अंदर नीरसता नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। यदि कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये जज्बा कहाँ से आता है? अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करें। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। देखिएगा, यदि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रखते हैं कि मैं प्रथम प्रयास में ये करके ही रहूँगा, तो निश्चित ही आप करके रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आपके मन में ही शंकाएँ हैं, आपके मन में ही बहुत सारी व्याधियाँ हैं, तो ऐसे स्थिति में आप बिल्कुल भी परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, टारगेट आपका सेट हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, उसके बाद में आप लक्ष्य की तरफ कैसे चलेंगे ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। सबसे पहले जो भी आपका एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और सिलेबस आपका बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, आपका रटा हुआ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। हर टॉपिक की जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस ही कंप्लीट करना है। जो सिलेबस आपका दिया गया है, किन क्या क्या आपके टॉपिक हैं, वो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं वो गलत दिशा में तैयारी करते हैं, जिससे कि कम समय में वो उतना काम नहीं कर पाते। लेकिन आप यदि सही दिशा में चलते हैं तो कम समय में ही आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करें। सिलेबस के अंदर जितने टॉपिक हैं, टॉपिक टू टॉपिक तैयारी करें, पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करें। और के तैयारी जो आपको करनी है वो केवल प्रमाणिक पुस्तकों से ही आपको करनी है। जो भी मूल पुस्तकें हैं, प्रमाणिक पुस्तकें हैं, उनसे ही आपको अध्ययन करना है। यदि उन पुस्तकों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो इस चैनल के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट का बताया जाएगा कि किन किन पुस्तकों से आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा, आपने अपना सिलेबस आपका कंप्लीट है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, और प्रमाणिक और विश्वसनीय पुस्तकों से ही आपको तैयारी करनी है। साथ में आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी करना है। एक प्रैक्टिस सेट ये आपको प्रण करना है कि जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी तब तक एक प्रैक्टिस सेट आप डेली करेंगे। यदि एक प्रैक्टिस सेट आप डेली करते हैं तो आप देखेंगे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे, आपकी तैयारी पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाएगी।
तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और केवल उन्हीं टॉपिक का डीप अध्ययन करें जो आपके सिलेबस में पूछे गए हैं, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूज़न भी होता है टीजीटी पीजीटी को लेकर, और जो पुस्तकें हैं वो टीजीटी और पीजीटी के लिए सेम सब्जेक्ट के लिए सेम ही पुस्तकें बना दी गई हैं बहुत सारे पब्लिकेशन के द्वारा। लेकिन उसको आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टॉपिक पूछा गया है, जो आपके टॉपिक में जो पॉइंट पूछा गया है उस पॉइंट को ही आपको कंप्लीट करना है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब डेली आपको कितने घंटे तैयारी करनी है, देखिएगा, यदि आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं, सही अध्ययन सामग्री के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आपको शुरुआत करनी चाहिए 3 से 4 घंटे से। 3 से 4 घंटे आप तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये टाइमिंग बढ़ा के आपको 8 से 10 घंटा करनी ही होगी, क्योंकि 8 से 10 घंटा यदि आप तैयारी करेंगे तो काफ़ी जन सैलाब है जो परीक्षाओं में भाग लेता है। इतना आसान कंपटीशन नहीं आजकल रह गया है, तो यदि आप चाहते हैं कि पहले ही प्रयास में अपनी एक सीट पक्की करें, तो उसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा और 8 से 10 घंटा आपको डेली पढ़ाई करनी होगी। देखिएगा, इतना आसान नहीं होता है 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना, लेकिन जब आप 3 से 4 घंटे से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे टाइम बढ़ाते बढ़ाते 15-20 दिन के बाद आप 8 से 10 घंटे पर पहुंचेंगे, या इस प्रक्रिया में आपको 1 महीना अधिकतम लग सकता है, 1 महीने के बाद निरंतर आपको 8 से 10 घंटा अपनी तैयारी करनी है, तो इतना समय आपको ज़रूर देना है। और ये ध्यान रखना है, जब तक आपका चयन नहीं हो जाता, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको सूर्य उदय होने से पहले पहले उठना है, और ये एक टाइमिंग मानी जाती है 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का जो समय होता है, उस समय ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, वातावरण शांत होता है। यदि उस टाइम में आप उठते हैं तो उस समय आपको ज़्यादा आप तैयारी कर सकते हैं, ज़्यादा आपके सोचने समझने की क्षमता उस समय ज़्यादा होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उठो, जागो और तब तक जागते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक जागते ही रहो जब तक अपने लक्ष्य को ना भेद लो, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, नींद को त्यागना है, आलस्य को त्यागना है, और डेली आपको तैयारी करनी है, और कोशिश करें कि 3 से 5 बजे के बीच में आप ज़रूर उठ जाएं। और जैसे ही आप उठते हैं, सबसे पहले आप आत्मचिंतन करें। 15 मिनट का समय आपको दे, दुनियावी चीज़ें भूलकर, सब चीज़ों को भूलकर 15 मिनट का समय शांति से आप बैठें और ये मनन करें, ये ध्यान करें कि आज पूरे दिन में मुझे क्या करना है, पूरे दिन का आज का जो शेड्यूल है, पूरे दिन का आज का जो आपका जो रूटीन है वो आपको तैयार करना है। मन मन में आप सोचते जाएं कि आज मुझे इतने घंटा पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, और ये मेरा टारगेट आज का रहेगा, और डेली के टारगेट आप छोटे छोटे टारगेट बनाएं जिसको आप जल्दी अचीव कर सके। और यदि आप किसी टारगेट को अचीव कर लेते हैं उसके बाद में फिर एक छोटा टारगेट रखें, क्योंकि यदि आप ऐसे करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपकी तैयारी बढ़ती चली जाएगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि आप सुबह डेली आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममनन करते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी तैयारी करते करते फ़ोन में, यदि आप देख रहे हैं मोबाइल में कोई टॉपिक देख रहे हैं, और उसको देखते देखते फिर स्किप करते करते आप पता नहीं 2-2, 3-3 घंटे व्यर्थ ही उसमें बिता देते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा, और ये जो आत्मचिंतन आप करेंगे उसमें ये बातें सेट करनी होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब रात को आप सोने के लिए जाते हैं, सोने से पहले फिर आप 15 मिनट का समय दें, और पूरे दिन में जो भी घटनाक्रम रहा है, पूरे दिन का जो भी आपका रूटीन रहा है उसको याद करें कि आज मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया है, और सुबह मैंने क्या क्या टारगेट सेट किए थे, क्या वो टारगेट मैं अचीव कर पाया, क्या उस समय को मैं सदुपयोग कर पाया। यदि नहीं कर पाए, यदि आप कोई कमी रह गई है,
तो नेक्स्ट डे उसको सुधार करने की कोशिश करें, उसके लिए पश्चाताप करें, तो निश्चित ही आप समय अपना बचा पाएंगे और सही दिशा में आप प्रयास कर पाएंगे। यदि इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।